हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं पैंट एंड टॉप। आप इसको जंप सूट की तरह वेयर कर सकते हैं। पहले आप टॉप को इसके अंदर इन करके और ऊपर से हम पैंट को पहन सकते हैं, तो ये हमारा जंप सूट टाइप बन जाएगा। क्या होता है, अगर हम जंप सूट ज्वाइन करके बनाते हैं तो हमें ना अक्सर प्रॉब्लम्स ही होती है इमरजेंसी में, तो इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। तो देखिए, हमें ये डबल कपड़ा है हमारा, इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ। हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी देखिए 18 इंच की है, और इसकी जो हमने विड्थ ली है, जो इसकी चौड़ाई है गाइस, वो हमारी देखिएगा 19 इंच की है। तो इस तरह से हम कर लेंगे अपने कपड़े को फोर फोल्ड और अच्छे से इसको इकसार कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा सिकुड़ा है तो उसको आप पहले प्रेस कर लें। देखिए, हम 1.5 इंच यहाँ से रखेंगे फोल्ड के लिए। नीचे से जब हम फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। देखिएगा, ऊपर से हम जो कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको इकसार कर लेते हैं। आप उसकी कटिंग कर लें या बाद में कटिंग कर लें। शोल्डर जो हम ले रहे हैं वो 5 इंच के ले रहे हैं। आर्म होल जो ले रहे हैं हम गाइस, वो भी हम 5 इंच के ले रहे हैं। इस तरह से इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। जो चेस्ट साइज रहेगा वो हमारा 7 इंच रहेगा, और कमर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो हम यहाँ पर 8 इंच कर देंगे। देखिए, इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो 1 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा कर देंगे। स्केल से इन निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे हम 1-1 इंच का। उसके बाद इसकी हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहीं से हम इसकी कटिंग कर लें। तो गाइज, ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो हम 8 से 10 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं। अगर आपकी लड़की थोड़ी हैवी साइज की है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए, इसका लुक इस तरह से आएगा जैसे हम नॉर्मल टॉप की कटिंग करते हैं। इसको हमने देखिए शोल्डर से यहाँ से 3.5 इंच रखना और एक निशान लगा लेना। जो हम गले की गहराई देंगे ना इसकी, वो 5 इंच पर देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल शोल्डर से डिट्टो मिला देना है एकदम इस तरह से। और यहीं से हम अपने गले की गोलाई दे देंगे। जितना आपने अपना आर्म होल रखा है उसकी गले की भी उतनी ही आपको गहराई देनी होगी इस तरह से। देखिए, और यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, हमारी टॉप की कटिंग हो गई है। अभी हम जो इसमें फ्रिल लगाएंगे उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जो गले में हम रफल लगाएंगे ना, उस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है गाइस, वो हमने 32-32.5 इंच के लगभग ली है। उसके बाद इसकी जो लंबाई ली है वो हमने 4 इंच की ली है। इस तरह से इसको हम एक साइड रख देंगे। ये हमारी जो स्टेप हम एक शोल्डर में लगाएंगे तो ये हमारी वो पट्टी है। देखिएगा, इसको हम इस तरह से डबल करके यहाँ से इसको देखिए 5 इंच का हमारा आर्म होल था, तो 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। बाकी हम बाद में कटिंग कर देंगे जब हम इसको लगाएंगे। तो जो हमारी रफल थी गले पे लगाने वाली, उसको नीचे से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से बारीक बारीक, और यहाँ से इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। देखिए, बारीक फोल्ड करना है और मशीन से सिलाई लगाते हुए इसको किनारे पर इस तरह से पूरे में हमें नीचे से इसको पहले फोल्ड कर लेना है। गाइस, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो नीचे से हमने देखिए इसको फोल्ड कर लिया। अभी हम इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स भर लेंगे। तो इससे पहले हम ये धागा इसको काट लेंगे। फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे धागे होते हैं उनको हमें कट कर देना चाहिए। इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल लेंगे पूरे में। देखिएगा, इसमें बारीक गैदर नहीं बननी है, छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। अभी इसको हम कैसे अटैच करेंगे वहीं आपको बताएंगे। तो गाइस, हमारी फ्रिल रेडी है। अभी हम सबसे पहले जो हमारे एक साइड का शोल्डर है उस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, यहाँ से तो हमारा शोल्डर जो है अटैच हो गया है। अभी हमें इधर देखिए ओरे पट्टी लगाएंगे यहाँ पर शोल्डर पर। तो किस तरह से हमने ओरे पट्टी लेनी है, हम आड़े कपड़े को काट लेते हैं जैसे खिंचाव होता है, वहीं से इसको डबल फोल्ड के रखेंगे और शोल्डर पर अटैच कर लेंगे। हमने देखिए इस पट्टी को अटैच कर लिया है। रॉन्ग साइड से हमने इसको लगाया था और सीधी साइड इसको हम पलट देंगे। देखिए, उल्टी तरफ से लगा के हमको इस पट्टी को सीधी तरफ फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे एकदम फिनिशिंग के साथ। खींचना बिल्कुल भी नहीं है वरना झोल आ जाएगा। इस तरह से हल्के हाथों से इसको अटैच कर लेंगे। तो एक साइड तो हमने आर्म होल में ये देखिए ओरे पट्टी लगा ली है। अभी हम गले में फ्रिल लगाएंगे। तो उल्टी साइड से ही अपनी फ्रिल को रखेंगे, देखिए गले की साइड से, और हमारी जो फ्रिल रहेगी उसकी सीधी साइड नीचे रहेगी, मतलब हमारी टॉप की और हमारी फ्रिल की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। इस तरह से रखेंगे इसको और इसको हम सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे गाइस। तो चलिए, मशीन पर आपको सिलाई लगा कर इसको दिखा देते हैं।
तो गाइज जब तक हम फ्री लगा रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो गाइज इस तरह से इसको हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से पलटते हुए देखिएगा। उससे पहले हम यहाँ पर देखिए इधर की साइड पर एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे टॉप की साइड पर, जिधर की साइड हमारी टॉप है मार्जिन की सिलाई भी हमारी इधर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से देखिएगा, इससे लगाने से ये होगा हमारा जो इधर का कपड़ा है वो उधर की तरफ फोल्ड नहीं होगा, इसलिए हमने ये पॉइंट की सिलाई लगाई है। इस तरह से देखिए अभी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से देखिएगा गाइस। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम किनारे पर ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखिएगा इस तरह से इसको रखते हुए यहाँ पर किनारे पर ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसके चले जाएंगे। तो गाइस हमने ऊपर से भी सिलाई लगा ली, इससे क्या होगा हमारी जो फ्रिल है रोंग साइड को पलटेगी नहीं, इस तरह से इधर की तरफ दबाव में रहेगी। इस तरह से देखिए अभी हम दूसरी साइड को भी बंद कर लेते हैं। इस तरह से देखिएगा यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इसको बंद कर लेंगे, दूसरी साइड को भी यहाँ से पकड़ेंगे और इसको भी हम बंद कर लेंगे। तो चलिए पहले हम एक साइड आपको बंद करके दिखा देते हैं। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड को भी बंद कर लेंगे। अभी हमारी जो स्टेप वाली पट्टी है जो हमने ली थी इसको हम इस तरह से आधे इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसको किसी भी चीज़ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, मतलब सीधी तरफ इस तरह से इसको पलट लेंगे। अभी इसको अच्छे से प्रेस करके दबा लेते हैं ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद हम देखें शोल्डर से दूसरी साइड से 3 इंच लेंगे यहाँ से और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से 3 इंच रखेंगे और यहीं से निशान लगा लेंगे, पीछे की साइड भी 3 इंच रखेंगे और उधर भी निशान लगा लेंगे। यहीं से हम अपनी स्टेप को रखेंगे और इसको सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे, जैसे हमने पहले पॉइंट की सिलाई लगाई थी वहीं से हम इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो गाइस ये जो हमारी स्टेप है ना वो हमारे दूसरे शोल्डर के बिल्कुल लेवल में आनी चाहिए, ना हो कि छोटी बड़ी हो जाए, एक ऊंचा जा रहा है स्टेप और हमारा जो शोल्डर है वो नीचे जा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो गाइस इसी तरीके से देखिए हमने किनारे पर सिलाई लगा ली है, अभी हम इस धागे को कट कर लेते हैं। ये हमारी एक साइड में तो लग चुकी है, इसी तरीके से हम अपनी जो बैक साइड में हमारा निशान लगाया था दूसरी साइड में उसको भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो इसको पलटेंगे इस तरह से, देखिएगा अभी जो हमारा पीछे ये निशान है ना गाइस दिख रहा है आपको, ये वाला निशान बिल्कुल इसके बराबर में, और यहाँ से इसको रखेंगे। पहले आप नाप के इसको अच्छे से नाप लें और उसके बाद इसको अटैच करें, यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने देखिए स्टेप भी नीचे लगा ली है, अभी हम इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि नीचे इसमें हम बारीक लास्टिक डालेंगे। तो हमने नीचे से फोल्ड कर लिया, थोड़ी सी खुली साइड छोड़ देंगे जिससे हम इसमें लास्टिक अटैच करें। लास्टिक की जो लंबाई ले रहे हैं हम गाइस वो हमने 20 इंच की ली है। एक पिन की सहायता से जहाँ से हमने खुली साइड छोड़ी वहीं से अपनी लास्टिक को अंदर की तरफ डाल देंगे। देखिए इस तरह से अभी लास्टिक डल गई है, यहाँ से 2-3 बार सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। जो खुली साइड छोड़ी थी ना हमने उसको भी सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। तो गाइस हमारी जो टॉप है बन के रेडी हो गई है गाइस। तो गाइज हमारे पास ये 1 मीटर कपड़ा है, ये हमारा जो कपड़ा है बड़े पन्ने का है, इसका जो विड्थ है ना गाइज वो हमारे 54 इंच है। देखिए एक बार मैं इसकी लेंथ आपको नाप के दिखा देती हूँ, 39 इंच है, 39 इंच में ही हमारा 1 मीटर होता है। इसको हम अर्ज में ही कटिंग करेंगे गाइज। देखिए कपड़े को हम अर्ज में डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिएगा गाइज आपको एक बात और बता देती हूँ, इसकी लंबाई से हमने साइड से एक पट्टी निकाली है, जब हम टाई बेल्ट बनाएंगे इसमें जो बेल्ट बनाएंगे अलग से उसके लिए हमने पट्टी पहले ही कटिंग कर ली है गाइज। तो इसको हम देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे, पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया उसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो गाइज एक बात और बता देती हूँ, अगर आपके कपड़े की विड्थ कम है तो आपको ये 2 मीटर कपड़ा चाहिएगा, हमारी विड्थ ज़्यादा थी इसलिए हमें 1 मीटर कपड़े में प्लाजो बन जाएगा। कपड़े को नीचे से सीधा करने के लिए जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है स्केल से उसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे से जो मोरी फोल्ड करते हैं वो 1.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखिएगा आप चौड़ा फोल्ड करते हैं वो आपकी चॉइस से, पतला फोल्ड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप नीचे से फोल्ड करिएगा। लंबाई जो है हमारी 34 इंच है, तो जहाँ से हमने फोल्ड के लिए निशान लगा वहीं से इंची टेप को रखेंगे और 34 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए इधर भी 34 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि हम जब इस निशान को सीधा करें तो एकदम सीधा खींच जाए। स्केल की सहायता से दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम नेफा फोल्ड के लिए इसमें 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। 1.5 इंच क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 1 इंच की हम इसमें लास्टिक ऐड करेंगे। आप 1.5 इंच की लास्टिक करें तो 2 इंच रखें। उसके बाद हम देखिएगा यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, नेफा फोल्ड के बाद भी 1 इंच ऊपर को एक्स्ट्रा रखेंगे।
देखिए इसी तरीके से गाइस अभी हमारी कमर की बात आती है। जो इसकी कमर है वो हमारी 26 इंच है। 26 का जब हम चौथा हिस्सा करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच रखेंगे तो हमारा ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ से 8.5 इंच रखेंगे। देखिए यहाँ से 8.5 इंच इसलिए रख रहे हैं गाइस, जब हम इसमें इलास्टिक डालते हैं ना तो एकदम वो ना खिंचती है, तो अच्छे से उसमें गैदर आती है, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल भी रहना चाहिए। उसके बाद हम क्रोच एरिया देखिए अंदाजे से ही लगा रहे हैं हम यहाँ पर 10 इंच पर, क्योंकि ये इसकी जो कमर का साइज है, हिप साइज है, वो कम है, इसलिए हम 10 इंच अंदाजे से लगा रहे हैं। आप अपनी हिप के अकॉर्डिंग आपका जितनी भी हिप का साइज है उसका चौथा हिस्सा निकाल कर उसमें आप 2 से 3 इंच प्लस कर सकते हैं। इस तरह से आप क्रोच एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो गोलाई देंगे गाइज वो हम देंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर हम इसकी गोलाई देंगे। नीचे से हम रखेंगे इसकी जो मोरी है वो 10 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 10, 11, 12, 8 जितना आप चाहें उतनी। इस तरह से इन निशानों को हम आपस में मिलाते चले जाएंगे। उसके बाद गाइज हम यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे अपने आसन की। देखिए क्रोच एरिया की हमने गोलाई दे दी और अब हम कर लेंगे अपनी प्लाजो की कटिंग। तो गाइज अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमारे जो प्लाजो की कटिंग हो गई है गाइज। उसके बाद गाइज देखिएगा नीचे से जो हमने फोल्ड के लिए निशान लगाया ना, मोरी फोल्ड के लिए, वहीं पर हम कट लगा देंगे इस तरीके से। अब हम अपनी बेल्ट के लिए कपड़ा लेंगे। कपड़े को हमने देखिए डबल फोल्ड करा। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 22 इंच की ली है और इसकी जो लंबाई 3.5 इंच की ली है गाइज। इस तरीके से देखिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसन की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये डबल है इस तरह से रखा हुआ। एक बार फिर से बता देती हूँ, आसन की हमें सिलाई लगा लेनी इस तरीके से, मतलब एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस पर। उसके बाद गाइज देखिए हम इसको इस तरह से, आसन की सिलाई लगने के बाद हम इसको इस तरह से इसके दोनों साइडों के जो आसन है आपस में इस तरह से मिला के रखेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए जैसे मैं रख रही हूँ वैसे ही आपको रखना है। देखिए अब क्या होता है, पहले हम मोरी फोल्ड कर लेते हैं तो हमारी जो मार्जिन की सिलाई होती है वो दिखती है, तो हमें ये नहीं करना, पहले हमें इसकी साइडें बंद करनी है। तो गाइस हमारी साइडें बंद हो गई, अब हम इसके नीचे से मोरी फोल्ड करेंगे। देखिएगा इस तरह से। तो चलिए मैं मशीन पर आपको इसकी मोरी को फोल्ड करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने जितना मार्जिन लिया था नीचे 1.5 इंच का, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी मोरी को फोल्ड करेंगे नीचे से इस तरह से, और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इसकी। तो गाइस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह से बीच में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इस तरह से देखिए हमारी जो मोरी है वो नीचे से फोल्ड हो गई एकदम फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से हम दूसरी भी मोरी को फोल्ड कर लेंगे, इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी हमारी मोरी भी फोल्ड हो गई है। अभी हमने देखिए 1.5 इंच तो रखा था नेफा फोल्ड के लिए जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, टोटल हमारा हो रहा है 2.5 इंच। इस तरह से अभी इसको 2.5 इंच ही हमें फोल्ड करना है। तो चलिए इसको भी मैं आपको मशीन पर दिखा देती हूँ किस तरीके से। देखिए 1 इंच तो हमने रखा था गाइस, देखिए ऊपर से नाप के दिखाती हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, 1.5 इंच का हमारा नेफा फोल्ड था, टोटल नापेंगे तो हमारा आ रहा 2.5 इंच। तो यहीं से हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से नेफे को चलिए फोल्ड करके दिखा देते हैं। और इसको खींचना नहीं है क्योंकि ये रेयॉन का फैब्रिक है, तो इसको जरा भी खींचते हैं तो इसमें झोल आ जाता, फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती। जहाँ कपड़ा है वहीं पर उसको सेट करें पहले इस तरह से, और हल्के हाथों से इस पर किनारे पर सिलाई लगाते चले जाएं। देखिए सिलाई तो हम लगा रहे हैं लेकिन हम थोड़ी सी खुली साइड छोड़ देंगे इसमें, जिससे हम इसके अंदर इलास्टिक अटैच कर सकें। थोड़ी सी हमने खुली साइड छोड़ दी है, इसी में हम इलास्टिक अटैच करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे देखिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी कैसे करेंगे, 1 इंच की इलास्टिक है तो हम थोड़ा सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच से, ताकि हमारी जो इलास्टिक है अच्छे से इसमें सेट हो जाए। इसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाते चले जाएंगे, मतलब 1 इंच 1 पॉइंट पर इस तरीके से। देखिएगा पूरे में हम नीचे की साइड से लगाएंगे ना कि ऊपर की साइड से, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक ऊपर नहीं नीचे की साइड लगाएंगे। देखिए ऊपर हमारा 1 इंच आ रहा है, वो हमारा ऊपर 1 इंच ही रहना चाहिए क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। अभी हमने नीचे 1.5 इंच लिया था लेकिन 1/2 इंच तो हमारा नीचे फोल्ड हो गया अंदर की तरफ, तो वो हमारा एक पॉइंट से हमने कुछ ही 1 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा लिया। यहीं पर हम इसकी सिलाई लगाते चले जाएंगे। पूरे में हमें इसको सिलाई लगा लेना, मतलब बंद कर लेना, कहीं से भी सिलाई को छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से हमें इस सिलाई को पक्का लगाना, ना कि आपको रफ सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाते चले जाएंगे गाइस। अभी हम इलास्टिक ले लेते हैं, जहाँ से हमने खुली साइड छोड़ी थी वहीं से इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो वो वाली साइड हम इस तरह से रखेंगे। देखिए मैं इलास्टिक की लंबाई नाप लेती हूँ कितनी हमें इलास्टिक रखनी है इसमें। तो देखिएगा मैं नाप के दिखा देती हूँ, हमें इसमें 22 इंच की इलास्टिक रखेंगे। यहीं पर निशान लगाकर यहाँ से इस इलास्टिक को हम कट कर लेंगे। उसके बाद एक काल्पिन की सहायता से एक
इस तरह से देखिएगा, पिन की सहायता से हम इसमें जहाँ से हमने खुली साइड छोड़ी थी, देखिए नीचे की तरफ हमें इलास्टिक डालनी है, जहाँ से हमने नीचे सिलाई लगाई ये वाली, ऊपर की तरफ नहीं, और यहीं से हम इसमें इलास्टिक अटैच करते चले जाएंगे। इसमें डालेंगे इलास्टिक और पूरे में दूसरी साइड से हम इसी तरीके से इसको इलास्टिक को पूरे में घुमाते हुए बाहर की तरफ निकाल लेंगे दोनों साइडों से। देखिए इधर से डालेंगे, दूसरी साइड से ऑटोमेटिक अपनी आ जाएगी। इस तरह से अच्छे से इसमें पूरे में हम इलास्टिक को डाल लेंगे। तो इलास्टिक डाल के यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इलास्टिक को दो तीन पक्की सिलाई लगा लेंगे गाइज। इसमें देखिएगा यहाँ से सिलाई भी लग गई है। अभी जहाँ से हमने खुली साइड छोड़ी थी ना गाइज, इसको अब हम बंद कर लेते हैं। देखिए चलिए बंद करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन जब हम इसको बंद करें ना गाइज, तो एक बात का ध्यान रखें, हमारी जो इलास्टिक है वो हमारी इसमें सिलाई में नहीं दबनी चाहिए, बिल्कुल किनारी पर सिलाई आनी चाहिए इलास्टिक को अलग हट के। इलास्टिक दब के तो वो खींचेगी नहीं और गैदर भी नहीं आएगी उस जगह पर, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम ये धागा काट लेते हैं। देखिए हमारी जो इलास्टिक है एकदम फिनिशिंग के साथ डल गई है। देखिएगा ऊपर, देखिए हमारी इस तरह से गैदर बन गई है। ये एक्स्ट्रा जो हमने एक इंच रखा था, देखने में इसका लुक सामने से बहुत ही अच्छा है। ये डेढ़ इंच चौड़ी हमने पट्टी ले ली है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें इससे लुप्स बनाएंगे, जो लुपी बोलते हैं ना, जो जैसे हम पैंट में लगाते हैं जब बेल्ट डालते हैं, वैसे ही हम इसमें लगा लेंगे। इसको फोल्ड करते हुए पहले हम इसकी किनारी पर साइड से सिलाई लगाते चले जाएंगे। उसके बाद इसकी दूसरी साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे गाइस। देखिएगा एक साइड लगा ली, दूसरी साइड की भी किनारी पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है काट लेनी है। यहाँ से 2 से 2.5 इंच ले लेंगे, तो हम 2.5 इंच ले लेते हैं। चलिए एक्स्ट्रा होगी बाद में कट जाएगी, लेकिन कम ना होनी चाहिए। इस तरह से हमने ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। उसके बाद हम इसको अटैच कैसे करेंगे अपनी पैंट में। देखिए 3 लिए हैं हमने, 3 ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। एक तो हम लगाएंगे पीछे बैक साइड में, बिल्कुल बीच सेंटर में। ये हमारा पीछे का बैक साइड का बीच सेंटर है। अभी हम इधर की साइड से बिल्कुल थोड़ा सा आधा इंच और आधा इंच इधर की साइड से, देखिए नाप के दिखा देती हूँ साइडों से। अभी हम पहले बैक साइड आपको लगा के दिखाएंगे, जो नीचे की साइड है। देखिए जो नीचे वाली सिलाई है वहाँ से हम इसको रखेंगे यहाँ से, और इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई को हमें अच्छे से लगाना है, 2-3 बार लॉक कर देना है, ताकि वो हमारी लुप्स जो है लुपी निकले नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से इस लुपी को अटैच करेंगे और 2-3 बार इस पर सिलाई लगाते हुए इसको हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। उसके बाद जो हमने दूसरी सिलाई लगाई थी इलास्टिक से थोड़ा सा ऊपर, जो हमने इलास्टिक डाली इससे थोड़ा सा ऊपर, हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिएगा इसको भी हम 2-3 बार अच्छे से लॉक करेंगे, ताकि हमारी खुले ना। इसी तरीके से हम, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी लग गई है। देखिएगा ये अच्छे से हमने इसको अटैच कर लिया है। इसी तरीके से जो हमारी दोनों साइडें आगे की, इसको रखेंगे, इधर भी रखेंगे और अटैच कर लेंगे दोनों साइडों में, और पीछे भी हमारी ये लुक भी लग गई है। अभी हम बेल्ट बनाते हैं। जो हमने कपड़ा लिया था इसको हम पहले इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और आगे से इसको एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से, और हल्का सा कॉर्नर दे देंगे यहाँ से इस तरह से, और ओरेब में कट कर लेंगे। हमें 1/2 इंच का ही ओरेब लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ से अब इसकी सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर लेंगे गाइस। देखिएगा यहाँ से बिल्कुल बराबर अच्छे से पहले इसको रख लेते हैं हम, अच्छे से इसको रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिएगा हम जब सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देंगे, ताकि हम इसको पलट सके। दूसरी साइड से भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको भी यहाँ तक छोड़ देंगे। थोड़ा सा खुला रखा है जिससे हम इसको पलट सके। पहले छोटे छोटे धागे हैं, इनको पहले काट लेंगे। एक हम पेचकस की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे, मतलब पलट लेंगे इसको। आप किसी भी सहायता से, किसी की भी सहायता से आप इसको पलट सकते हैं। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे गाइस। जहाँ से हमने खुली साइड छोड़ी थी वहीं से हम इसको बाहर निकाल देंगे। देखिएगा खींचते हुए ये निकल गई है। अभी एक साइड हो गई, अभी जो थोड़ी सी दूसरी साइड रखी है इसको भी हमने, देखिए साइड भी खुली रख सकते थे, लेकिन जब हम इसकी बेल्ट को बनाएंगे ना, टाई सी इसकी बनाएंगे, तो वो सिलाई अलग ही दिखेगी। अगर हम बीच सेंटर ले लें या पीछे साइड में ले लें तो वो सिलाई नहीं दिखती, वो कवर हो जाती है। इस तरीके से हमने बीच से इसको ले लिया है। अब इसके हल्के से जो कॉर्नर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, इनको हम इस तरह से कॉर्नर को भी बाहर निकाल लेंगे गाइस। अभी जो हमने, देखिए खुली साइड छोड़ी थी ना, उस पर भी हम सिलाई लगाकर उसको भी हम, देखिएगा बंद कर लेंगे। ये हमारी खुली साइड छोड़ी थी, इसको भी हल्का सा हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। बंद इस तरीके से करें, जब इसको हम प्रेस करके बिठाएं तो ये हमारी जो सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए इस तरह से। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ वहीं से इसकी सिलाई लगा लेंगे। हमने हल्का ही खोला था, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारी सिलाई ज़्यादा दूर तक ना दिखे। अभी देखिए हमारी जो ये है बेल्ट बन गई है। अभी हम इसको अटैच करते हैं। देखिए प्लाजो भी हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं फाइनल लुक एकदम फिनिशिंग के साथ। पीछे से इसको रखेंगे
और दोनों लूपियों में इधर की साइडों में भी इसको हम डालते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। देखिएगा, आप देख सकते हैं गाइस, दूसरी साइड से भी हम इसको रखेंगे इस तरह से डालते चले जाएंगे। देखिएगा, अभी हम इसको इस तरह से देखिएगा नीचे की साइड इस तरह से लेंगे और एक नट सी लगाएंगे हल्की सी, उसके बाद इसको फिंगर से इस तरह से फंसाएंगे, दूसरे को इधर फंसाएंगे, तो एक टाई बेल्ट जो होती है टाई की तरह ये हमारी जो बेल्ट है एकदम बन के रेडी हो जाएगी। तो गाइस आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।